दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एसोसिएशन ऑफ जेस जेम्स। इस मूवी को हम हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी अपनी फेवरेट मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपकी मूवी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह मूवी जेस जेम्स नाम के एक लुटेरे के ऊपर बेस्ड है, और वह लुटेरा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। आखिर उसकी इतनी पॉपुलैरिटी का क्या राज था? तो चलिए चलते हैं फिल्म की शुरुआत में। फिल्म की शुरुआत में हम 1881 का सीन देखते हैं, जहां मिसूरी के अंदर हम कुछ लोगों को देखते हैं। दरअसल ये लोग यहां पर एक ट्रेन को लूटने के लिए आए होते हैं। इन्हीं के अंदर हम जेस जेम्स को भी देखते हैं। दरअसल यहां पर जितने भी लोग होते हैं वो जेस जेम्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जेस जेम्स का एक भाई भी होता है जिसका फ्रैंक जेम्स नाम होता है। यहीं पर हम रॉबर्ट को भी देखते हैं जो कि 20 साल का लड़का होता है। रॉबर्ट का भाई भी यहीं पर काम करता है जिसका चार्ली नाम होता है, और ये लोग इसी तरह से काम करते हैं, दूसरों को लूटते हैं और अपना घर चलाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट बहुत ही जिज्ञासु लड़का होता है, उसके मन में हर एक चीज जानने की इच्छा होती है। वह सोचता है कि वह जेस जेम्स जैसा बनेगा, लेकिन रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा बातों नहीं होता है, उससे कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं होता, और उसी वजह से वह फ्रैंक से बात करने के लिए जाता है जो कि जेसे का भाई होता है। तो फ्रैंक भी उससे कोई बातचीत नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद वह जेसे से ही बात करता है, लेकिन जेसे का भी रॉबर्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रॉबर्ट बोलता है कि मुझे एक मौका दीजिए, मुझे अपने साथ काम करने का मौका दीजिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। लेकिन जेसे बोलता है कि तुम इन कामों के लिए बहुत ही ज्यादा छोटे हो, इसीलिए जो बाकी टीम वाले काम करते हैं तुम वही काम किया करो। और जेसे इतना बोलकर चला जाता है। देर शाम को यहाँ पर ये लोग ट्रेन की पटरियों के आगे लकड़ियाँ डाल देते हैं, और देर रात को इन्हीं पटरियों पर ट्रेन भी आ जाती है। यह जानकारी मिली होती है कि इस ट्रेन के अंदर $1,00,000 होते हैं, और उसी वजह से यह ट्रेन लकड़ियों से टकरा जाती है और रुक जाती है। और जैसे जेम्स और उसकी टीम वाले इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर भी होते हैं, ये लोग उन्हें भी लूटते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हवाई फायरिंग भी करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन जैसे जेम्स को इस ट्रेन के अंदर कोई भी पैसा नहीं मिलता, और उसी वजह से यहाँ ट्रेन के अंदर जो भी आदमी इंचार्ज होता है जेसे जेम्स उसे बहुत मारता है और उससे पूछता है कि पैसे कहाँ पर हैं। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पर जेसे जेम्स को रोक लेता है, और इस ट्रेन के अंदर इन्हें जो भी पैसा वगैरह मिलता है ये उसे लेकर भाग जाते हैं। इस चोरी के बाद यहाँ पर जो फ्रैंक होता है जो कि जेसे का भाई होता है, वो डकैती करना छोड़ देता है और कहता है कि यह मेरी आखिरी चोरी होगी। और उसी वजह से सुबह होते ही फ्रैंक यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाता है। हालांकि फ्रैंक और जेसे जेम्स इन दोनों के बीच में बहुत ही कम बना करती थी। रॉबर्ट यहाँ से जेसे के पास में जाता है। जेसे के पास में दो सांप होते हैं और कहता है कि ये मेरे दुश्मन है, और वह रॉबर्ट के सामने उन सांपों को काट देता है। साथ ही वह यह भी बोलता है कि तुम चार्ली और वुड इन दोनों को जाकर बोल दो कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मेरे घर पर चले जाए, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तो रॉबर्ट ऐसा ही करता है, वह चार्ली और वुड को बोल देता है, और उसी वजह से चार्ली और वुड यहाँ से रॉबर्ट के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट की एक बहन भी होती है जिसका मार्था नाम होता है। और रॉबर्ट अब हमेशा जेसे के साथ रहता है। रॉबर्ट को यह लगता था कि जेसे उसे बहुत सारी चीजें सिखाएगा, लेकिन जेसे उसे कुछ भी नहीं सिखाता, वह हमेशा अपने साथ रखता और रॉबर्ट से अपने घर के काम करवाता, और इस बात से रॉबर्ट थोड़ा परेशान होने लगा था। तो रॉबर्ट काफी दिनों तक जेसे के साथ रहकर अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर चार्ली वुड और डिक पहले से ही होते हैं। रॉबर्ट घर पर आकर एक डिब्बे को देखता है जिसके अंदर उसने जेसे जेम्स की बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, क्योंकि वह जेसे जेम्स का बहुत बड़ा फैन था और वह कुछ हद तक उसी की तरह बनना चाहता था। एक दिन रॉबर्ट नहा रहा होता है, तब उसके पास में डिक आता है जो बोलता है कि जेसे जेम्स के साथ काम करने से पहले मैं कमिंस नाम के एक आदमी के साथ काम किया करता था, लेकिन तुम यह बात उसे मत बताना, अगर जेसे को यह बात पता चलती है तो वो हम दोनों को मार देगा। तो रॉबर्ट बोलता है कि मैं इस तरह की बातें किसी को नहीं बताता। दरअसल ये सारे लोग इसलिए यहाँ पर आ करते थे क्योंकि जो मार्था है वो यहाँ पर कमरों को किराए पर देती थी, और उसकी वजह से ये सारे दोस्त एक ही जगह पर आ करते थे, जिससे मार्था का भी थोड़ा बहुत काम चल जाता था। अब पुलिस को भी उस ट्रेन वाली डकैती के बारे में पता चल जाता है, और उन्हें पता चल जाता है कि उसके पीछे जेम्स का हाथ था। उसी वजह से जैसे जेम्स को डर लगने लगता है, और मार्था के घर पर जो टिक और वुड थे उन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों का एक जगह रहना खतरे से खाली नहीं था। और डिक और वुड एक जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ पर वुड के फादर रहते हैं। वुड के फादर की नई नई शादी हुई है, जो यहाँ पर डिक है उसका दिल यहाँ पर वुड की सौतेली मोम पर आ जाता है, उसी वजह से वह रात में उसके साथ में इंटीमेट होता है। इन्होंने जो डकैती की थी उस डकैती के अंदर एक लड़का शामिल था जिसका एड मिलर नाम है, और जेसे जेम्स उस लड़के के पास में जाता है। जेसे जेम्स को डर होता है कि अगर पुलिस इस लड़के को पकड़ देती है तो यह पुलिस को सब कुछ बता सकता है, इसीलिए जेसे जेम्स इस लड़के को मार देता है और किसी को इस बात का पता नहीं चलता। जेसे जेम्स यहाँ से बाद में डिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने एड मिलर को देखा, तो डिक मना करता है। साथ ही जेसे यह भी पूछता है कि तुम जिम कमिंस से कब मिले थे, तो डिक के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं होता, और उसी वजह से
वो दोनों यहाँ से जिम कमिंस के घर पर जाते हैं, जहाँ पर जिम कमिंस होता ही नहीं, वहाँ पर जिम का बेटा होता है, और उसी वजह से डिक और जेसे जेम्स यहाँ से चले जाते हैं। डिक यहाँ से मार्था यानी रॉबर्ट के घर पर चला जाता है, और उसी शाम यहाँ पर वुड भी आ जाता है, और वुड यहाँ पर डिक से गुस्सा होता है क्योंकि डिक उसकी सौतेली मोम के साथ में सोया था, और उसी वजह से वुड उसे मारना चाहता है। तब यहाँ पर वुड और डिक इन दोनों के बीच में गोलियाँ चलती है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट भी होता है जो वुड को गोली मार देता है, जिससे वुड की मृत्यु हो जाती है। ये लोग उसकी लाश को एक जगह फेंक देते हैं ताकि यह बात जैसे को पता ना चले। और अगले कुछ दिनों में यहाँ पर जैसे जेम्स आ जाता है, और रॉबर्ट और डिक को यह लगने लगता है कि उसे पता चल चुका है कि हमने वुड को मार दिया, और उसी वजह से डिक एक जगह छुप जाता है, और रॉबर्ट यहाँ पर जैसे से बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर चार्ली भी होता है जिसकी टांग पर चोट लगी हुई है, तो जैसे पूछता है कि तुम्हारी टांगों पर चोट कैसे लगी, तब चार्ली झूठ बोलता है और कहता है कि मेरी छत पर बिल्ली आ गई थी और मैं उसे हटाने के लिए गया था और छत से गिर गया। और चार्ली यहाँ पर बातों को काटने की कोशिश करता है, और रॉबर्ट को ऐसा लगने लगता है कि जैसे जैसे जेम्स को सब कुछ पता हो, और उसी वजह से रॉबर्ट भी यहाँ पर बात बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह कपड़े पहनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे जेम्स बोलता है कि तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकते। इस बात से रॉबर्ट थोड़ा रोने लगता है और अपने कमरे में चला जाता है। तब यहाँ पर जैसे जेम्स चार्ली को बोलता है कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, और वह चार्ली को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है, और चार्ली को जहाँ से अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर जी होती है जो कि जेम्स की पत्नी होती है। और चार्ली को यहाँ पर आकर डर लगने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे अगर मैं सो गया तो जेम्स यहाँ पर आकर मुझे गोली मार देगा। तब जेम्स रात को यहाँ पर चार्ली के पास आता है और चार्ली को बोलता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो, लेकिन चार्ली बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। यहाँ पर जेम्स बोलता है कि मैंने एड मिलर को मार दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा हो, क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो यहाँ पर चार्ली बोलता है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। तो यहाँ पर जेम्स बोलता है कि वुड कहाँ पर है, तो चार्ली बोलता है कि हमें भी नहीं पता कि वुड कहाँ पर है, हमारे उससे काफी दिनों से कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पर जेम्स बोलता है कि तुम्हारा भाई रॉबर्ट डरा हुआ क्यों था, तो चार्ली बोलता है कि वह ऐसा ही है, वह एक ही पल में खुश हो जाता है और अगले ही पल में नाराज हो जाता है। तब यहाँ पर जेम्स को पता चल जाता है कि इसे कुछ भी नहीं पता, और वह चार्ली को सोने के लिए बोल देता है और यहाँ से चला जाता है। वही हम रॉबर्ट को देखते हैं जो यहाँ से पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को जाकर बोल देता है कि उस रात ट्रेन को लूटने वाला एक लुटेरा मेरे घर पर छुपा हुआ है, और उसी वजह से पुलिस वहाँ पर आ जाती है और डिक को पकड़ देती है, और पुलिस के सामने डिक सब कुछ कबूल कर लेता है। साथ ही पुलिस को वह यह भी बोलता है कि इससे आगे मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। और यहाँ पर पुलिस वालों को पता होता है कि असली काम जेम्स का है, इसीलिए हमें छोटे मोटे लुटेरों को नहीं बल्कि जेम्स को पकड़ना चाहिए। दरअसल रॉबर्ट ने यह एक चाल चली थी ताकि पुलिस का शक उन दोनों पर ना जाए और वो दोनों सुरक्षित रहें। रॉबर्ट का यह प्लान काम कर गया। वही दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, उसे लगने लगता है कि सभी लोग उसके साथ दगा कर रहे हैं यानी उसे धोखा दे रहे हैं, और वह खुद की जान लेने की सोचता है। तब चार्ली उसके पास होता है, वह उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी चीजों को लूटा है, तो इस बार हम एक बैंक को लूटने वाले हैं और रॉबर्ट को भी इसमें शामिल करेंगे। तब जेम्स रुक जाता है और चार्ली की बात मान लेता है, और उसी वजह से चार्ली और जेम्स यहाँ से सीधा रॉबर्ट के पास में जाते हैं जो एक शॉप पर काम करने लगा था। जेम्स उसको बताता है कि हम एक बैंक को लूटने वाले हैं और हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि रॉबर्ट यह काम नहीं करना चाहता था, और फिर भी वह दबाव में आकर हाँ बोल देता है क्योंकि रॉबर्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वह जेम्स को पकड़वा सके। और जेम्स इन दोनों को अपने घर पर ले आता है। यहाँ पर रॉबर्ट जब अकेला होता है तब वह अपने भाई चार्ली से मिलता है और कहता है कि तुम्हें मुझे अपने साथ शामिल नहीं करना चाहिए था, पुलिस वालों ने मुझे 10 दिन का समय दिया है ताकि मैं जेम्स को पकड़वा सकूं, पर तुम इस बारे में सोचो, अगर हमने जेम्स को पकड़वा दिया तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे, हमें यह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चार्ली बोलता है कि नहीं, जेम्स हमारा दोस्त है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो रॉबर्ट बोलता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एड मिलर की तरह वह तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। तो चार्ली बोलता है कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और तब ये दोनों यहाँ से जेम्स के पास चले जाते हैं। जेम्स बोलता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। और रात होते ही ये तीनों यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि हमें बैंक कैसे लूटना है। तो यहाँ पर जेम्स बोलता है कि हम बंदूक लेंगे और कैशियर के पास जाएंगे, तो मैं उसकी गर्दन पर चाकू लगा दूंगा और उसे पैसे बैग में डालने के लिए बोलूंगा। तो जेम्स यहाँ पर रॉबर्ट की गर्दन पर चाकू लगाकर यह सब बोल रहा होता है। इस चीज से रॉबर्ट काफी ज्यादा डर जाता है। रॉबर्ट को ऐसा लगने लगता है जेम्स को मेरे बारे में सब कुछ पता है कि हमने वुड को मार दिया और मैं पुलिस वालों के साथ मिला हुआ हूँ। जेम्स बस अनजान होने का नाटक कर रहा है, और जब हम अकेले होंगे तब वो हमें मार देगा। और यह चीज सोच सोचकर रॉबर्ट को काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जेम्स बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और इस चीज से रॉबर्ट थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन रॉबर्ट को पूरी रात नींद ही नहीं आती, और जैसे जेम्स वो रात भर आराम से सोता है, रॉबर्ट को यह लगने लगता है कि मैं अपनी गन उठाकर जेम्स को मार दूं, लेकिन उसे चार्ली ऐसा करने से मना कर देता है। अगले दिन जेम्स या रॉबर्ट को एक गिफ्ट देता है, यह एक बंदूक होती है। रॉबर्ट इस गिफ्ट को देखकर काफी खुश होता है, जेम्स ने आज से पहले किसी को भी गन गिफ्ट नहीं की। जेम्स अब इन दिनों काफी उदास रहता है,
और वह शांत पानी की तरह किसी कुर्सी पर बैठा रहता है और पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और रॉबर्ट और चार्ली वो दोनों भाई बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जेम्स को सब कुछ पता है और वो किसी दिन उन्हें मार देगा। रॉबर्ट एक दिन न्यूज़पेपर को देखता है। उस न्यूज़पेपर के अंदर यह खबर होती है कि डिक ने सरेंडर कर दिया है और पुलिस को सब कुछ बता दिया है। रॉबर्ट यह अखबार जल्दी से छुपा देता है ताकि इस अखबार को जेम्स ना देख सके, लेकिन जेम्स इस अखबार को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस को डिक ने पकड़ दिया है और डिक ने पुलिस को सब कुछ सच बता भी दिया होगा। जेम्स यहाँ पर काफी देर तक चार्ली और रॉबर्ट इन दोनों की तरफ देखता रहता है और उन दोनों को एक कमरे में लेकर आता है। वहाँ पर अपनी गन को उतार देता है और एक घोड़े की पेंटिंग को साफ करने लगता है। तब यहाँ पर चार्ली और जेम्स ये दोनों पीछे से जेम्स को गोली मार देते हैं, जिससे जेम्स की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर जी भी आती है जो बहुत ज्यादा रोती है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस के सामने कन्फेंस कर लेते हैं कि हमने जेम्स को मार दिया। बाद में जेम्स की डेड बॉडी की फोटो उतारी जाती है और उस फोटो को बाजार में बेचा जाता है। इस फोटो को बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं। साथ ही साथ हर जगह नाटक चलाए जाते हैं जहाँ यह बताया जाता है कि बॉब और चार्ली ने इन दोनों ने मिलकर जेम्स को कैसे मारा है, यानी कि जेम्स का मजाक बन जाता है। और अब जेम्स से ज्यादा रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। हालांकि चार्ली को दुख होता है, उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए था और उसी वजह से वह भी परेशान होकर खुद को गोली मार लेता है, जिससे चार्ली की मृत्यु हो जाती है। और जब रॉबर्ट को पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। इस घटना को कुछ टाइम बीत जाता है और जो रॉबर्ट होता है वो भी पछताने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसे जेम्स को नहीं मारना चाहिए था। उसे जेम्स की बहुत ही ज्यादा याद आने लगती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, लेकिन फिर भी वह जेम्स को नहीं बुला पाता। लेकिन जेम्स को भी चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग थे और वो लोग फिराक में फिरते थे कि हम रॉबर्ट को एक दिन मार देंगे। और एक दिन मौका देखकर वो एक बार में पहुंचते हैं जहां पर रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट को गनशॉट की मदद से मार देते हैं। लेकिन रॉबर्ट की कोई फोटो नहीं बिकती और ना ही जितना जेम्स को याद किया जाता था उतना रॉबर्ट को याद करेंगे और ना ही लोग रॉबर्ट के फ्यूनरल को देखने के लिए आएंगे। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपसे मुलाकात करते हैं और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक खुश रहे और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।